सैफ अली खान और टीवी एक्ट्रेस कृतिका कामरा बहुत ही जल्द नजर आने वाले हैं अली अब्बास जफर की अगले प्रोजेक्ट तांडव में। लगता है कि अब सैफ अली खान अक्षय कुमार के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, तभी तो उन्होंने ढेर सारी फिल्में साइन कर दी हैं। फिलहाल सैफ अली खान के पास 5 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और सैफ अली खान ने ये रोलर कोस्टर्स भी सेक्रेट गेम्स की सक्सेस के बाद ही शुरू किया। आपको बता दें कि उन्होंने ऑलरेडी अक्षय देवगन की फिल्म ताना जी के लिए शूटिंग खत्म कर दी है, जिसके बाद नवदीप सिंह के लाल कप्तान और नेटफ्लिक्स के सीक्रेट गेम सीजन 2 जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। करंटली सैफ अली खान नितिन कक्कर के जवानी जाने मन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, वो भी लंदन में। लेकिन सैफ अली खान के प्रोजेक्ट लिस्ट यही खत्म नहीं होती। इसके बाद उन्होंने विक्रम बेड़ा रीमेक को भी साइन कर दिया है, जिसमें वो अपने दिल चाहता है कोस्टार आमिर खान के साथ नजर आने वाले हैं। और अब रिपोर्ट की माने तो सैफ अली खान ने अभिषेक चौबे के अगले प्रोजेक्ट को भी साइन कर लिया है, जो कि जिगर तांडा का रीमेक होगा, जिसे प्रोड्यूस करेंगे साजिद नाडियाडवाला। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो सैफ अली खान अली अब्बास जफर के अगले प्रोजेक्ट में भी नजर आने वाले हैं, जिसका टाइटल होगा तांडव। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट एक बड़े बजट में बनने वाला है, जिसमें लगभग 12 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स होंगे और इस पूरे सीरीज में 2 प्रोटैगनिस्ट शामिल होंगे। इसका मेजर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट एक्टिविस्ट वर्सेस पॉलिटिकल लीडर होगा, जिसमें सैफ अली खान स्टूडेंट एक्टिविस्ट का किरदार निभाएंगे। फिलहाल इस सीरीज के बाकी किरदार जैसे कि पॉलिटिकल लीडर और स्टूडेंट्स के लिए अभी मेकर्स की सर्च बाकी है, लेकिन रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है इनमें से एक लीडिंग कैरेक्टर टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा भी निभाने वाली है। आपको बता दें कृतिका ने इससे पहले कितनी मोहब्बत है और रिपोर्टर्स जैसे पॉपुलर टीवी शोज में काम कर चुकी है। आप कितने एक्साइटेड हैं सैफ और कृतिका को साथ देखने के लिए कमेंट कीजिए और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।